मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज के जमींदारी बांध की मरम्मती का जायजा लिया है। पिछले साल आए बाढ़ में गंडक नदी के दबाव में जमींदारी बांध कई जगह से टूट गया था। पिछली बार जहां जहां बांध टूटा था वहां जाकर नीतीश बाबू ने मरम्मत के काम का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से मरम्मती के काम की जानकारी ली है। इस दौरान सूबे के जल संसाधन मंत्री संजय झा, मद्य निषेध एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार और सांसद आलोक कुमार सुमन मौजूद थे। वहीं तमाम सीनियर अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि 15 मई तक हर हाल में बांध की मरम्मत का काम पूर्ण हो जाएगा। नीतीश बाबू ने भी माना कि जब तक बांध की मजबूती नहीं होगी तब तक बाढ़ का खतरा बना रहेगा। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के अधिकारी को बेहतर काम पर फोकस करने का निर्देश दिया है। नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड हुए पदाधिकारियों को भी बुलाकर सलाह देने का संदेश भी दिया है। नीतीश बाबू ने बताया कि इस बार बाढ़ को रोकने के लिए बांध की मजबूती पर जोर दिया जाएगा। तटबंध का जो कुछ भी काम किया जा रहा है तो अभी पिछले वर्ष जो बाढ़ के समय में परेशानी हो रही थी और दिक्कत हो रही थी विभाग के द्वारा पूरे तौर पर सब काम किया जा रहा था और जो ऊपर से भी हमने इसको देखा था कई जगहों पर। और इस बार वही हम लोगों ने सोचा था कि जो काम हो रहा है उसको जाकर के देखेंगे और एक्चुअली उसके अलावे और कुछ ज़रूरत है क्या है लोगों का सुनेंगे भी जानेंगे भी और उसके लिए सुझाव भी देंगे। तो आज वही आकर के वहाँ से जो देखा है ये लोग काम तो ठीक कर रहे हैं और कुछ और भी सुझाव दिया गया है और इसके आगे भी इसको और भी स्ट्रेंथन करने के लिए ही हम लोगों ने कहा है। इसको अभी हम ऊपर से एरियली भी हम देख लेंगे। अभी लगातार हम इसको इस पूरे एम्बैंकमेंट को तटबंध को पूरे तौर पर देख लेंगे कि कहीं पर जो पूरे तौर पर जो काम हो रहा है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए और इस बार जो कुछ भी बरसात का दिन आएगा उस समय कोई खतरा हो सकता है इसको किसी को मालूम नहीं है तो उससे बचाव के लिए लोगों की सुरक्षा के लिए पूरा इंतजाम करना चाहिए। इसी को ध्यान में रख करके इस महीने में जहाँ भी काम हो रहा है उसको हम लोग देखना चाहते हैं। नीतीश बाबू ने बताया कि बांध का पक्कीकरण किया जाएगा ताकि बाढ़ की त्रासदी को आने से पहले ही रोका जा सके। तो आज अभी भी देखा है और लोगों की राय भी देखे और मिल करके भी लोग बताते हैं इसलिए इसको देखना जरूरी था। माननीय विधायक जी ने भी आगे के बारे में जो बताया है तो बात तो सब लोगों को कहा गया है और लोग करेंगे इस चीज़ को। पर आज भी हम थोड़ा सा जो अभी तो देख लिए इसका तो कोई उपाय नहीं है कि कोई जा करके वाहन से चल करके जा सके तो इसलिए इसको ऊपर से ही हेलीकॉप्टर से ही पूरे तौर पर हो रहा वही तो हो ही रहा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमींदारी बांध निर्माण में स्टील पाइप लगाने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां घनी आबादी हो वहां गंडक नदी के तटबंध निर्माण में स्टील शीट पाइप भी लगाई जाएगी ताकि बाढ़ के दौरान बांध को क्षति नहीं हो सके। बिहार में पहली बार बांध के निर्माण में स्टील शीट पाइप का उपयोग किया जाएगा। स्टील शीट पाइप से तटबंधों को काफी मजबूती मिलेगी। बाढ़ के हालात में स्टील शीट पानी के 10 मीटर अंदर तक बांध को टिकाए रखेगा। उम्मीद है कि जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जमींदारी बांध की मरम्मत करा दी जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोपालगंज से रणजीत कुमार की रिपोर्ट।